हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी का भरता या गोभी का कीमा। तो इसके लिए मैंने दो गोभी के फूल लिए और इन्हें हम कद्दूकस करेंगे। तो देखिए, अब हमने गोभी को कद्दूकस कर लिया है और हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग और बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन। और अब हमारे अदरक और लहसुन फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे दो कटे हुए प्याज। तो अब हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे दो टमाटर और दो हरी मिर्च कटी हुई। और अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और एक चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले ना और ये अच्छे से पके। और अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी मटर, और मटर को हम 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारे मटर हमने 2 मिनट फ्राई कर लिए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी गोभी कद्दूकस की। इसको ढककर अच्छे से पकने देंगे। तो अब हम देखेंगे हमारी गोभी का कीमा या भरता बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसकी प्लेटनिंग करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, रेसिपी को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।